गुड मॉर्निंग एवरीवन सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं और चलिए शुरू करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर संडे का द हिंदू अगर आप देखते हैं तो संडे का द हिंदू में अगर आप पेपर देखते हो तो संडे के द हिंदू में साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे आपके क्वेश्चन आते हैं मतलब टॉपिक्स जो है अगर आप देखोगे तो आर्टिकल्स आपके पब्लिश होते हैं स्पेशल एक इशू होता है रिलेटेड विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मेनली आज के दिन हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस भी करते हैं और भी दूसरे जो टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट है ज्योग्राफी है उनसे भी रिलेटेड आपके इश्यूज़ कई आते हैं तो उनको भी डिस्कस करते हैं बिफोर दैट कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था तो उसमें जिन स्टूडेंट्स ने अपने आंसर सेंड किए हैं आ, कौन कौन है और मतलब आंसर तो बहुत लोगों ने सेंड किए हैं और बट उनमें से जो स्टूडेंट जो जिन स्टूडेंट्स के आंसर अच्छे हैं मतलब काफ़ी अच्छा जिन्होंने आंसर लिखा एक है एक विशाल है अलीफ़ा खान है और रिचा रानी अलीफा खान का अगर आप इम्प्रूवमेंट देखोगे आंसर राइटिंग में तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है ठीक है विशाल ने भी अच्छा इम्प्रूव किया है लगातार अगर आप उनके पहले के आंसर देखते हैं और आपके आंसर देखते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है आ, दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं कई स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो लेट आंसर अपना सबमिट करते हैं या पर्सनली आंसर जो है वो सेंड करने का कोशिश करते हैं तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में ही अपने आंसर को सेंड करो ठीक है और इंश्योर करो कि जैसे अगर अभी जो मैं आपको मेंस का क्वेश्चन दूंगा तो उसका जो आंसर है वो 8 पीएम तक आप लिख कर सेंड कर दो उसके बाद अगर आप सेंड करते हो तो फिर रिव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ठीक आज के टॉपिक देख लेते हैं प्लेटिपस के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि प्लेटिपस बेसिकली एक्सटेंट हो रहा है ठीक है प्लेटिपस जो है वो एक्सटेंड हो रहा है एक्सटेंशन के कगार पे है तो प्लेटिपस क्या है वो जानेंगे टर्की के अर्थक्वेक के बारे में पेस्टिसाइड के इम्पैक्ट के बारे में अमेजन फाउंडर उनके फ़ोन की जो हैकिंग हुई है तो पेगासस जो हमने पहले भी डिस्कस किया है इस पर एक सेपरेट आपका सेशन भी है वेन यू टॉक अबाउट पेगासस तो जो पेगासस है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में देख लेना है और ये फोन हैकिंग है वो कैसा इशू एक राइज कर रहा है वो डिस्कस करेंगे उसके बाद आपका फेस रिकोगशन टेक्नोलॉजी है उसका डार्क मैटर क्या होता है आर्टिफिशियल कोरल गल्फ ऑफ कच्छ में सेट किया जा रहा है वो डिस्कस करेंगे और आखिर में जो मेंस का जो क्वेश्चन है दैट आल्सो आई विल गिव सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आर कैन प्लस प्लेटफॉर्म तो अगर आप आई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन जरूर से करें आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स एक फैब से आपका जो मंथली करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो शुरू होगा मंथली करंट अफेयर्स हर दिन का करंट अफेयर कवर किया जाएगा और जो मैगजीन्स हैं इंटरनेशनल जर्नल्स हैं पी सारी चीज़ कवर की जाएगी और उसके बाद एक फिफ्टीन फेब से कोर्स शुरू हो रहा है जिसमें टू ईयर्स का करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है जो प्रिलिम्स 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है बहुत द कोर्सेज आर प्रेजेंटेड बाय मी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आपको अन एकेडमिक प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना है और इस रिफरल कोड का उपयोग करना है जैसे आप इस रिफरल कोड का उपयोग करोगे जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाई टेन परसेंट और दूसरे जितने भी अन अकेडमिक प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर पूरे साल जो कोर्सेस आएंगे वो सभी आपके लिए फ्री होंगे तो चलिए शुरू करते हैं ये एक पहला आर्टिकल है तो इसको पूरा रीड करना पॉसिबल नहीं है बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू है ना देखो शुड द बेजोस फोन हैक बी कॉज फॉर अलार्म तो यहाँ पे फ़ोन हैकिंग एक बहुत बड़ा इशू आज के समय में अराइज़ भी हो गया है एक बहुत बड़ा इशू आपका हो गया है फ़ोन हैकिंग का व्हाट्सएप हैकिंग का ये सारी चीज़ें हैं तो जस्ट लेट मी नो कि अमेजोन के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है ठीक है कमेंट uh, सेक्शन में जस्ट लेट मी नो कि उनका नाम क्या है uh, जो अमेजन के फाउंडर है तो देखो गार्जियन पब्लिस्ड अ रिपोर्ट ऑन एलिस्ड हैकिंग ऑफ द पर्सनल फोन ऑफ एमेजन फाउंडर जेफ बेजोस ठीक है इन टू और साइबर फॉरेंसिक फर्म एफ कंसल्टिंग जो इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्होंने इस अटैक के लिए जिम्मेदार किसको कहा है सऊदी रिजीम को ठीक है सऊदी रिजीम को इसके लिए जिम्मेदार Uh, कहा है कि उन्होंने कोशिश की है टू हैक द फोन ऑफ एमेजन फाउंडर चीफ पार्ट्स ऑफ दिस एलिज्ड इंसिडेंट आर सिमिलर टू द इन फेमस केस तो अगर आपको याद हो पेगासस हमने डिस्कस किया था पहले हमने पेगासस uh, काफी डिस्कस किया था आज भी थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं ठीक है तो जब व्हाट्सअप हैकिंग काफी न्यूज में था तो उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट पैगसस तो पैगसस क्या है पैगस एक स्पाईवेयर है स्पाईवेयर का मतलब ये मानो कि ये एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होगा मेनली जो एप्पल के फ़ोन है उस पर इंस्टॉल होगा और सारी जो डेटा की जानकारी है वो कहीं और बैठे कोई पर्सन को वो जानकारी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और इस पैगसस को किसने बनाया है इसराइल की एक फर्म है दैट इज एनएसओ ग्रुप एनएसओ ग्रुप जो कि इसराइल की एक फर्म है उसके द्वारा ये पैगस बनाया गया था स्पाईवेयर अब अगर आप एनएसओ ग्रुप के आर्ग्यूमेंट को लो तो वो ये कहते हैं कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया तो ठीक है लेकिन आ, इसको हम देते किसको हैं सरकार को देते हैं गवर्नमेंट को जो फाइट करना चाहते हैं टेररिज्म से और जो फाइट करना चाहते हैं टेररिज्म से और मान लो क्राइम से फाइट करना चाहते हैं तो उनको हम ये सॉफ्टवेयर देते हैं ऐसा क्यों इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आ, जो आ, ये फ़ोन है जैसे एप्पल के जो फ़ोन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल लोग ही इसको यूज़ करते हैं जो क्रिमिनल्स हैं जो टेररिस्ट हैं वो भी इन फ़ोन्स का उपयोग करते हैं और जब वो इन फ़ोन का उपयोग करते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए मेनली तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उनके इस कम्युनिकेशन को एक्सेस कर पाएँ और ये सॉफ़्टवेयर उनकी मदद कर सकता है सॉफ्टवेयर एक बार इंस्टॉल हो गया तो कोई भी अगर वो एक्शन प्लान कर रहे हैं कोई अटैक प्लान कर रहे हैं कुछ भी तो सारी जानकारी एजेंसी के लिए इस्तेमाल में हो जाएगी मतलब इस्तेमाल में की जा सकती है अब यहाँ पे यही पैगसस है ना यही सेम स्पाईवेयर अगर आप नॉर्मल पर्सन के फ़ोन में भी डाल दो जैसे मान लो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व वो नहीं है फिर भी उसके फ़ोन को हैक किया जा सकता है तो ये सारी चीज़ें एक जो बहुत बड़े इशू को एराइज करती हैं है ना एराइज uh, करते हैं वो क्या है कि जो uh, uh, जो प्राइवेसी है या जो डेटा सिक्योरिटी है क्या वो इंश्योर किया जा रहा है कि नहीं uh, किया जा रहा आज के समय में अगर आप व्हाट्सएप की बात करो तो वो बहुत ही जगह पे एप्लीकेशन उसका देखने को मिलता है आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात करो या बिजनेस से रिलेटेड देखोगे तो व्हाट्सएप का बहुत अधिक इस्तेमाल आपका किया जा रहा है अब यहाँ पे अगर आप पैगस की बात करोगे तो इट इनेबल्स अ जेल ब्रेक एक जेल ब्रेक वर्ड भी काफ़ी फेमस है ठीक है ये पूछा भी गया है जेल ब्रेक क्या है ये देखते हैं ठीक है इट इनेबल्स जो ये पैगस है मान लो आपके मेल में ये लिंक आया फोन के मेल में लिंक आया आपने क्लिक किया जैसे ही लिंक जो है क्लिक किया ये सॉफ्टवेयर अपने आप आपके फोन पे इंस्टॉल हो जाएगा या फिर एक तरीका ये भी बताया गया कि जैसे आपके पास एक व्हाट्सअप कॉल आएगी ठीक है भले आप उसको पिक भी मत करो लेकिन फिर भी क्या होगा वो जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ़ोन पे तो इस तरीके से ये बताया गया है कि पेगसस के पेगसस के द्वारा जो व्हाट्सएप है उसकी हैकिंग की जा सकती है इवन एप्पल जैसे जो फ़ोन है वो भी सिक्योर आपके नहीं है अच्छा जेल ब्रेक का मतलब क्या होता है प्रोसेस ऑफ गेनिंग रूट एक्सेस टू द आई ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या है कि एक बार सॉफ्टवेयर एंटर करता है मतलब एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद क्या करेगा जेल ब्रेकिंग करेगा जेल ब्रेकिंग का मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर एंटर करने के बाद फिर पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको एक्सेस आसानी से कर सकता है ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है जो कि हाईलाइट हो रहा है तो मल्टीपल सिक्योरिटी वनबिलिटीज अफेक्टिंग व्हाट्सअप वे आर डिस्कवर्ड डिस्कलोज एंड पेस्ड इन टू है ना इस चीज़ को भी आ, हाईलाइट किया गया था कि कई सारी जो सिक्योरिटी वनबिलिटीज़ हैं वो हाईलाइट किया गया था और एक जो वर्नबिलिटी है इन पर्टिकुलर डिसक्लोज इन मे बिकॉज ऑफ द गड सिफिकस की वजह से इवन इंडिया में भी बहुत सारे आपके इश्यूज को एराइज uh, किया गया था बहुत सारे जो इश्यूज हैं uh, वो आपका uh, मीडिया में भी काफी आया था बिकॉज ऑफ द पेगस अब एक टर्म यूज होता है दिस इज बफर फ्लो ये भी टेक्निकल शब्द है बफर फ्लो ठीक है ये भी आज के पेपर में ही है बफर फ्लो क्या है अब इसको एक बार रीड करते हैं फिर इसको समझेंगे ठीक है बफर फ्लो क्या है ये अलाउ करता है अटैकर्स को टू रीड और राइट डेटा आउटसाइड ऑफ द डिफाइंड मेमोरीज बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम ठीक है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो मेमोरी बाउंड्री है है ना कोई प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हो उसकी जो मेमोरी बाउंड्री है तो वो प्रोग्राम उसके बियॉन्ड भी चीजों को रीड कर सकता है वी कॉल इट एज बफर ओवरफ्लो तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्रोग्रामिंग की अगर आप बात करोगे तो जो अब बफर ओवरफ्लो और बफर ओवर रन क्या है वेयर अ प्रोग्राम वाइल राइटिंग डेटा टू अ बफर ओवर रन द बफर बाउंड्री एंड ओवर राइट द एडजेंट मेमोरी लोकेशन ठीक है बफर्स हैं क्या बफर्स क्या है एरिया ऑफ मेमोरी सेट असाइड टू होल्ड अ डेटा तो मान लो आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया ठीक है तो वो प्रोग्राम में भी कुछ ना कुछ है डेटा है ही आपको उस डेटा को स्टोर करने के लिए आप किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी का इस्तेमाल करोगे वहीं उसी मेमोरी के अंदर वो डेटा आपका इंस्टॉल होगा फिर क्या है आ, बफर ओवरफ्लो में क्या होगा कि आप इस मेमोरी की जो बाउंड्री है इसके बियॉन्ड भी तो दूसरी मेमोरीज हैं उनके डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो ये प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है और यही एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है ठीक है तो ये बफर ओवरफ्लो भी काफी न्यूज में जैसे यूपीएससी में पूछा था जेल ब्रेकिंग इसी तरीके से आपका बफर ओवरफ्लोस ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट uh, देखते हैं uh, जो कि अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दिस इज बेसिकली रिलेटेड विथ फेशियल रिकॉग्निशन है ना फेशियल रिकॉग्निशन से ये आपका रिलेटेड है तो यहाँ पे ये भी काफी ज्यादा न्यूज में है वेन यू टॉक अबाउट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी तो जैसे आज के समय में आप लोग फोन भी यूज करते हो फ़ोन में भी क्या होता है जैसे आपका फेस सामने आएगा आपका फ़ोन ओपन हो जाएगा कई सारे सिक्योरिटी ऐप्स आते हैं जो आपके फ़ोन के ऐप्स से ये सब उसी से जो है ओपन आ, 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 आपके जो है होते हैं तो यहाँ पे क्या है यूरोपियन मीडिया नेटवर्क ई यू आर सी टी आई वी ठीक है आ, उसने पब्लिश किया है स्टोरी दैट सेड यूरोपियन कमीशन इज मलिंग अ टेम्प्ररी बैन जो यूरोपियन कमीशन है वो इस पर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर टेम्परेरी बैन करने का सोच रहा है लगभग पांच सालों के लिए तो इसमें इनका जो रीजन है कि हम क्यों इसको बैन करना चाह रहे हैं इसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम इसलिए इसको बैन करना चाह रहे हैं इसका रीजन उन्होंने क्या दिया कि इन पांच सालों में हम कोशिश करेंगे कि इसका जो गलत इस्तेमाल है चाहे वो डेटा सिक्योरिटी डेटा स्टोरेज से रिलेटेड है उसके लिए कुछ ऐसा मीज़र लाया जाए जिससे कि प्राइवेसी भी इंश्योर हो सके डेटा सिक्योरिटी भी इंश्योर हो सके इसलिए इसे हम टेम्प्रेरी बैन कर रहे हैं ऐसा यूरोपियन कमीशन का आ, कहना है तो यूरोपियन कमीशन बिलीव्स दैट इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इज़ अ प्राइवेसी थ्रेट है ना बहुत ज़्यादा जो ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है और इससे बहुत ज़्यादा आपका डेटा भी जनरेट हो रहा है इट इज़ अ प्राइवेसी थ्रेट है ना ये प्राइवेसी को भी इम्पैक्ट करती है एंड सम रेगुलेशंस आर नीडेड कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत है सो दैट दिस डज नॉट ईजली गिव अवे टू सर्विलियंस ठीक है रेगुलेशन इसलिए ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि ये जो डेटा जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इससे सर्विलियंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाए ठीक है ड्यूरिंग द टेम्प्रेरी बैन पीरियड अ साउंड मेथोडोलॉजी फॉर एक्सेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड पॉसिबल रिस्क मैनेजमेंट मीजर्स कुड भी आइडेंटिफाइड एंड डेवलप तो ये जो टाइम पीरियड है पाँच सालों का जो बैन है इस पाँच सालों के बैन में कोशिश क्या की जाएगी कोशिश ये की जाएगी कि जो इम्पैक्ट इस टेक्नोलॉजी का है है ना है ना जो इस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है उसका क्या मतलब जो इम्पैक्ट है उसको आ, उसको समझना उसके लिए एक मेथोडोलॉजी जो है वो डेवलप करना उसके रिस्क मैनेजमेंट को करना उससे रिलेटेड मेजर्स जो है वो आपको डेवलप करना ये सारी चीज़ें हैं आ, अगर आप इस टेक्नोलॉजी की बात करो तो बहुत इस्तेमाल की जाती है फेस रिकोगशन टेक्नोलॉजी आप लोग भी इस्तेमाल करते हो काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है तो अनलॉकिंग योर फ़ोन टू वैलिडेटिंग योर आइडेंटिटी फ्रॉम ऑटो टैगिंग डिजिटल फ़ोटोज़ टू फाइंडिंग मिसिंग पर्सन फ्रॉम टारगेटेड टारगेटेड एडवर्टाइजिंग टू लॉ इन्फोर्समेंट तो बहुत तरीके का इस्तेमाल इसका देखने को मिल रहा है जो कंसर्न है वो कंसर्न रेस क्यों हुआ बिकॉज ऑफ द चाइना चाइना इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जीजियांग जी प्रोविंस के अंदर ठीक है ये चाइना में यह हाईलाइट किया गया है कि चाइना का जो जी जियांग प्रोविंस है वहां पर इस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द सर्विलियंस पहली चीज तो क्या है कि ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से जो डेटा जनरेट हो रहा है उसका प्रॉपरली वो डेटा आपका पहली चीज तो सिक्योर नहीं है रिस्क मैनेजमेंट पर भी हम फोकस नहीं कर रहे हैं और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो डेटा जनरेट हो रहा है दिस डेटा जनरेटेड इज यूज बाय चाइनीज अथॉरिटीज फॉर द सर्विलियंस क्योंकि जिस यंग प्रोविंस के अंदर काइंड ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है वहां पे ई टी आई एम मूवमेंट आपका चल रहा है ई टी आई एम ईट ईस्ट तुर्केनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट आपका चल रहा है बाय ओहिगुर मुस्लिम्स तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए ये देखने को मिल रहा है कि है ना जैसे फॉर एग्जांपल कोई लीडर है वो क्या करेगा उसको उसको लगेगा कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं फोन के लिए दूसरी कई चीजों के लिए वो इस्तेमाल करेंगे बट वो जो डेटा जनरेट हो रहा है उस डेटा को जनरेट किया जा रहा है फॉर सर्विलियंस ऑल्सो ये चाइना में मतलब ये रिपोर्ट किया गया है तो ऐसा इस्तेमाल यूरोपियन देशों में हो सकता है ऐसा इस्तेमाल भारत में भी हो सकता है और इसलिए बहुत जरूरी है कि जब तक ऐसे इस्तेमाल को रोकने का मेथड हम नहीं लेकर आते हैं, कि जो उसका पर्पज़ है वो तो ठीक है लेकिन गलत जो इसका यूज है उसको रोकने का मेथड जब तक हम नहीं लाते हैं तब तक यूरोपियन कमीशन ने सोचा कि हम इसको बैन करते हैं पाँच सालों के लिए टेम्प्रेरी बैन किया तो यहां पर न्यूज़ आपका आ जाता है यूरोपियन कमीशन ने इसको बैन किया फेशियल टेक् रिकोगशन टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी के क्या आप कह सकते हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं यहां पर कुछ लिखने को आए तो आप लिख सकते हो 22 किल्ड इन टर्की अर्थक्वेक तो देखो न्यूज़ तो ये है आपकी कि 22 लोगों की जो है 22 लोग मर गए बिकॉज ऑफ द टर्की अर्थक्वेक आपके लिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट एस सी आई एस एक्सपेरेंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टर्की में बेसिकली अर्थक्वेक क्यों आता है ये स्ट्रेटिक टॉपिक हो गया कि टर्की में अर्थक्वेक क्यों आता है जो प्लेट्स अरेंजमेंट है वो किस टाइप से है, है ना प्लेट्स की जो अरेंजमेंट है वो प्लेट्स का अरेंजमेंट किस टाइप से है ये आपको जानना जरूरी हो जाता है ठीक है और जो भी क्वेश्चन आएगा फिर आप आसानी से जो है वो लिख सकते हो ठीक है तो उसको हम डिस्कस करेंगे बाकी कितने लोगों की डेथ हुई है कितने लोग इंजर्ड हुए हैं सरकार ने कितना मुआवजा दिया है ये सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं किस मिनिस्टर ने कितना क्या कहा है ये ये मतलब आपको नहीं पूछा जाएगा मीडिया में मतलब अगर कोई अ, मीडिया में कोई काम करता है तो उसको ये सब बताना पड़ता है फिर उसको ये नहीं एक्सप्लेन करना है कि अर्थक्वेक क्यों आया क्योंकि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये टॉपिक आपके जीएस पेपर वन में ज्योग्राफी सेक्शन से रिलेटेड है साफ साफ उसमें लिखा है है ना अर्थक्वेक शब्द लिखा है है ना ज्योग्राफी सेक्शन से रिलेटेड है तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है तो इसको डिस्कस करते हैं तो ये आपका अर्थक्वेक है अब यहाँ पे जो बेसिक आपका जो आ, प्लेट्स हैं और जो फॉल्ट प्रेजेंट हैं उसको देखते हैं ठीक है थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता ही हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि आपके पास आ, मतलब अगर आप अर्थ की बात करो तो अर्थ का जो अपर मोस्ट पार्ट है अपर मोस्ट पार्ट है मैकेनिकल डिवीजन अगर आप करते हो तो अपर मोस्ट पार्ट जो है वो आपका लिथोस्फियर है इस लिथोस्फियर की अगर आप बात करो तो ये जो लिथोस्फियर है इस पर क्रस्ट है और अपर पार्ट ऑफ मेंटल है अपर पार्ट ऑफ मेंटल तो यू हैव क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल ये दो हैं ठीक है क्रस्ट है एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल ठीक है यू हैव क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल ये मिलके आपके लिथोस्फियर बनाते हैं और ये लिथोस्फियर के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वी कॉल एज प्लेट्स और इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स आपका ऐसे फेनोमेना होते हैं अर्थक्वेक हो गया इरप्शन uh, हो गया बहुत सारी जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उनका फॉर्मेशन हो गया है ना जैसे माउंटेंस uh, का फॉर्मेशन हो गया इस टाइप से तो इसी तरीके से कहीं भी अर्थक्वेक आएगा तो उस अर्थक्वेक के अंदर उस अर्थक्वेक के लिए रेस्पॉन्सिबल कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे दो प्लेट्स इन्वॉल्व हैं ठीक है, है? ये आप ध्यान से दो ध्यान से देखो एक आपकी ऊपर साइड से ये यूरेशियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट है यू हैव यू हैव यूरेशियन प्लेट ठीक है है ना यहाँ एक यूरेशियन प्लेट है और दूसरी जो प्लेट है आपकी आ, ये अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट है ये आपकी आ, ये आपकी अरेबियन प्लेट है और ये प्लेट इस टाइप से दोनों प्लेट आपस में मूव कर रही है। और टर्की इसके बीच में है ध्यान से समझना है इसको टर्की इसके बीच में है तो जब दो प्लेट्स ऐसे आ रही हैं है ना टर्की बीच में एक लैंड मास है ठीक है तो जब ये दो प्लेट एकदम इसको स्क्वीज कर रही हैं है ना एकदम आप कह सकते हो कि जैसे आप ये मानो कि बैलून आपने हाथ में लिया और अपने हाथ से आप बैलून को ऐसे प्रेस कर रहे हो तो क्या होगा एक तरफ से बल्ज निकल जाएगा इस टाइप से होता है ना आप, आपने हाथ में बैलून लिया उसको ऐसे प्रेस कर रहे हो तो क्या होगा जो बैलून है वो बैलून आपका ऐसे आगे से बल्ज निकल जाएगा तो इसी तरीके से ये बल्ज आपका टर्की में भी निकला है और टुवर्ड्स एजियन सी ठीक है टुवर्ड्स एजियन सी और ये जो प्रेस ऐसा प्रेस हो रहा है इसकी वजह से आपके टर्की के विद आपके फॉल्ट्स हैं ठीक है जैसे एक नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट और ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट तो फॉल्ट क्या होते हैं ठीक है अगर आप फॉल्ट की बात करें तो फॉल्ट इज़ अ थिन जोन ऑफ क्रस्ट रॉक अगर आप इमेजिन करो बहुत ज़्यादा फोर्स से एक फोर्स इधर से आ रहा है एक फोर्स इधर से आ रहा है और बहुत ज्यादा फोर्स से कोई चीज को प्रेस किया जा रहा है रॉक्स को ही अगर आप जो है प्रेस कर रहे हो बहुत तेजी से तो क्या होगा जो रॉक्स हैं उनमें दरार आ जाएगी ठीक है एकदम जो है उसमें दरार आ जाएगी तो वो क्या है वो एक फॉल्ट का रूप ले लेंगे ठीक है अ फॉल्ट इज अ थिन जोन ऑफ क्रस्ट रॉक सेपरेटिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट तो जैसे अगर आप इसको देखो तो ये जो ये जो ये क्या है दिस इज द फॉल्ट ये फॉल्ट है ये पूरा एक मान लो ये एक मास uh, है ठीक है अब क्योंकि ये जो फॉल्ट क्रिएट हुआ ये जो गैप क्रिएट हुआ इसमें अगर कुछ भी ऐसा होगा जिसकी वजह से सपोज ये फॉल्ट क्रिएट हुआ और लैंड मास थोड़ा नीचे को खिसक जाए है ना या ये नीचे को खिसक जाए तो क्या होगा यहां पर आपका अर्थक्वेक आएगा तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपकी टर्की के अंदर भी है तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि दो प्लेट्स हैं यूरेशियन प्लेट इधर आ गई और अरेबियन प्लेट यहां पे आ गई ये स्क्वीज कर रहा है स्क्वीज कर रहा है मतलब ऐसे जैसे बैलून को प्रेस करते वैसा प्रेस कर रहा है ठीक है और ये जो प्रेस हो रहा है इसके एजेंसी की तरफ आपका ये बल्ज बाहर को निकल रहा है हियर यू हैव अब इसकी वजह से आपके फॉल्ट क्रिएट हुए हैं है ना जो रॉक्स हैं वो टूट गई हैं तो इस तरीके से जुड़ी हुई हैं रॉक्स ठीक है रॉक्स जो है इस तरीके से जुड़ी हुई हैं बीच में जो गैप है उसको हम फॉल्ट कहते हैं है ना तो कभी भी इसका ऊपर नीचे कुछ भी मूवमेंट होगा सपोज ये ऐसे है ऐसे मूव कर गया तो फिर क्या है धरती हिलेगी क्योंकि सब घर और सब ऊपर बने हुए हैं तो ये ऐसे नीचे हुआ तो ये फॉल्ट अगर स्लिप करता है या कुछ भी मूव मुझ, इसमें मूवमेंट होगा इट विल रिजल्ट इन टू वट वी कॉल इट एज अर्थवेक तो यहाँ पे नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट और ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है ना यहाँ पे आपकी एनाटोलियन प्लेट है ये जो है एनाटोलियन प्लेट है कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट मी नो एनाटोलियन क्या है ठीक है ये बहुत आसान है आपको आसानी से बताना है एनाटोलियन क्या है टर्की से कैसे रिलेटेड है ठीक है तो एनाटोलियन प्लेट है और यहाँ पे आपका फॉल्ट है तो ये जो फॉल्ट जनरेट हुआ है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर द अर्थक्वेक इन टर्की तो टर्की में जब भी अर्थक्वेक आपको आता है तो ये एक बड़ा फैक्टर है अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था ईरान में क्यों अर्थक्वेक आया था वो क्या फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है देखो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आज के समय में जोग्रफी में पूछे जाते हैं ठीक है हम लोग का जो स्टडी होती है जोग्रफी में वो मेनली मैप्स में फोकस रहता है कंट्री के कैपिटल कर लिए और है ना इसी तरह रिवर्स कर ली पासिस कर लिया ये तो फिर लगता है जोग्रफी पूरी होगी नहीं वो आपने बेसिक्स पढ़ लिए अब शुरुआत होगी जोग्रफी की और यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि जोग्रफी में मैक्सिमम क्वेश्चन करंट से आते हैं करंट से कैसे आते हैं जैसे अगर मान लो इंडोनेशिया में सुनामी आई तो सुनामी क्यों आई क्या उसके जो जोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वहाँ से क्वेश्चन आपको पिक पिक किए जाते हैं जैसे अगर किला वाया माउंटेन्स माउंटेन का अगर इरप्शन हुआ जैसे अभी हमने एक ताल वॉल्कैनिक इरप्शन किया था अगर आपको याद हो एक सेपरेट सेशन भी है उसमें ताल वॉल्कैनिक इरप्शन तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा अगर किला वाया में वॉल्कैनिक इरप्शन हुआ तो वहाँ पर मेंटल आ, आ, मेंटल प्लूम न्यूज में आ गया तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया मेंटल प्लूम क्या है आपको लगेगा कि किसी जोग्राफी की किताब से पूछ लिया है तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे एराइज uh, होते हैं तो अगर यहाँ पर अर्थक्वेक आया है तो कोई भी जोग्राफी का जो टीचर होगा जो आपका क्वेश्चन बनाएगा उसके लिए बड़ी न्यूज़ होगी तो वो क्या है जब क्वेश्चन सेट करेगा आपके लिए तो फिर इसका क्यों फॉल्ट uh, क्या है ये क्यों अर्थक्वेक आता है ये सब प्रिलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं तो इसीलिए करंट अफेयर्स अगर आप सही वे में अप्रोच करते हो अगर करंट को एज अ थीम लेके और उसकी स्टैटिक पोर्शन पर अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हो बेसिक किताबें पढ़ने के बाद तो आपके सेलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका अटेम्प्ट भी मेंस में इंप्रूव होगा प्रीलिम्स में इंप्रूव होगा और अगर आपने अच्छी आंसर राइटिंग कर रखी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया जैसा लिफा हैं विशाल हैं और है ना लगातार हैं रमित हैं रमित अब नहीं आंसर लिख रहे हैं लाइक आई थिंक आपके राहुल हैं उसके बाद मनीष हैं है ना कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार डॉक्टर डॉक्टर अनु करके भी हैं जो अपने आंसर्स को लिखते रहते हैं ठीक है तो आप लोग एक दिन लिखोगे ये सोच के नहीं कि आपका आंसर आना चाहिए रोज़ टॉप में आना चाहिए तभी आपको आंसर लिखना ऐसा नहीं है लिखते रहो चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होंगी ठीक है ये इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट देखते हैं नीलगिरिश में हाई पेस्टिसाइड लेवल इन पोटैटो एंड कैरेट अब आप ख़ुद इमेजिन करो पोटैटो और कैरेट सभी लोग खाते हो और पेस्टिसाइड जो काइंड ऑफ एक केमिकल है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई उसका अमाउंट या कंसनट्रेशन बहुत हाई है तो अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो उससे क्या होगा धीरे धीरे इट विल है ना आपकी बॉडी में इसका अमाउंट बढ़ेगा आपकी किडनी और दूसरी बॉडी ऑर्गन को ये इम्पैक्ट करेगा तो पहले तो नीलगिरी कहाँ पे लोकेटेड है बहुत आसान सा है है ना दिस इज़ नीलगिरी ठीक है नीलगिरी और इसके इम्पैक्ट आपको ध्यान रखना है इसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन मेंस का जो है आज जो मैं आपको दूंगा इसी पर बेस्ड है तो ये एक एक, एक, -एक जो इम्पैक्ट है उसको ध्यान में रखना है हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्थ पर इंपैक्ट क्यों पड़ेगा क्योंकि यही पेस्टिसाइड्स जो पेस्टिसाइड्स हैं जिनका इस्तेमाल फार्मर्स करते हैं क्योंकि नए नए तरीके के इंसेक्ट्स आ गए हैं वो क्रॉप को डैमेज करते हैं तो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे कि उनको रोका जा सके प्रोडक्टिविटी मेंटेन करके रखा जा सके इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स फार्मर भी इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी लॉस होती है ये सब चीज़ें हैं तो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रही तो यही आपकी बॉडी में जब जाएगा बाय द प्रोसेस वी कॉल इट एज बायो एक्यूमिलेशन धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन इसकी बढ़ती जाएगी और फर्दर रिजल्ट इनटू व्हाट वी कॉल इट एज बायो मैग्निफिकेशन ठीक है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे पहले तो एक ट्रॉफिक लेवल में एक्यूमिलेशन होगा दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मैग्नीफाई होगा तो बायो एक्यूमिलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन तो ये हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा पहला हेल्थ पर इम्पैक्ट है मेनली प्रेग्नेंट वुमेन्स और चिल्ड्रन जैसे काफी इफेक्ट हो सकते हैं इकोनॉमी पर भी इस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मेनली जो फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का अगर इस्तेमाल करेंगे सॉइल की फर्टिलिटी क्योंकि शॉर्ट शौर, शॉर्ट टर्म में आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी पूरी तरीके से तो फिर क्या होगा इससे प्रोडक्टिविटी कम होगी एग्रीकल्चर सेक्टर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में वो आपका रिड्यूस होगा ठीक है बहुत सारी चीज़ें और भी हैं चाहे इलनेस इंजरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी राइज होंगी आ, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी मेनली जो सॉइल फ्लोरा हैं फॉन मतलब सॉइल के विद भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो भी इस पेस्टिसाइड से मर जाते हैं तो ये जो ऑर्गेनिज़म है वो आपके सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो भी धीरे धीरे मर जाते हैं तो इससे फिर सॉइल की फर्टिलिटी फ्यूचर में अफेक्ट होती है वाटर सॉइल एयर भी इससे इम्पैक्ट होगा जो पानी है उस पानी में सॉयल मतलब जो पानी है सॉइल का पेस्टिस सॉइल में आपने पेस्टिसाइड डाला फिर उसमें पानी के थ्रू वही पेस्टिसाइड पानी में मिल जाएगा और फिर आसपास की वाटर बॉडी में चला जाएगा कुछ वॉलाटाइल्स होते हैं तो वो एयर में इवापरेट होकर चले जाते हैं जो पेस्टिसाइड्स होते हैं तो इससे एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है वाटर पॉल्यूशन है सॉइल पोल्यूशन तो आपका है ही तो ये ऐसे कई सारे इम्पैक्ट है अर्थ वार्म आप अगर आप जानते हो तो अर्थ वार्मस जो हैं किचुए जिसे हम कहते हैं वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स ठीक है तो ग्राउंड वाटर है वो उससे इंपैक्ट होगा क्योंकि वही पेस्टिसाइड पानी की वजह से जब वही पेस्टिसाइड लीचिंग होगी मतलब पानी जो है पानी उसी पेस्टिसाइड को धीरे धीरे नीचे लेकर चला जाएगा ग्राउंड वाटर में वो पेस्टिसाइड आके मिल जाएगा आपको लगेगा कि हम ग्राउंड वाटर का पानी पी रहे हैं तो बहुत ही शुद्ध पानी है प्योर वाटर है और लेकिन उसके अंदर इट विल कंटेन पेस्टिसाइड्स और जब ये पेस्टिसाइड्स को कंटेन करेगा आपने उसको पानी को ड्रिंक किया तो वही पेस्टिसाइड आपकी बॉडी के अंदर भी चला जाएगा एंड इट विल इम्पैक्ट ठीक है उसके बहुत सारे आपके इम्पैक्ट अच्छा ये ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा हेल्थ आस्पेक्ट पर फोकस मत करना कि जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं कि आप लिखो जब आंसर तो है ना कि इससे किडनी का ये सेल अफेक्ट होगा इससे ये अफेक्ट होगा बहुत स्पेसिफिकेशन में नहीं जाना है कि आप सब प्रिस्क्रिप्शन भी लिख दो कि ये दवाई लोगे तो इससे सही दिए इतना नहीं डिटेल में जाना है बस एक तरफ हेल्थ दूसरी तरफ इकोनॉमी बायोडाइवर्सिटी इस टाइप से इम्पैक्ट लिखना है ठीक है जर्नलिस्टिक वे में आपको आंसर अपना लिखना है नेक्स्ट देखते हैं प्लेटिपस इन पैरल तो ये स्टडी आई है ये प्लेटिपस है ठीक है ये एक प्लेटिपस जैसे अगर आप देखोगे ये प्लेटिपस है ये सेमी एक्वेटिक मैमल है ये मैमल है ये एक ऐसा मैमल है ठीक है है ना, जैसे एक प्लेटिपस है और एकडनस आर एक द ओनली टू मैमल्स इन द वर्ल्ड क्लास्ड एज मोनोट्रीम्स उसका मतलब क्या होता है ये आ, है ना दे ले एग्स इंस्टीड ऑफ गिविंग बर्थ मतलब ये तो है, तो है तो मैमल्स लेकिन दे ले एग्स जो है अंडा देते हैं ठीक है इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते यूनिक एक एनिमल है डक बिल्ड मतलब अगर आप इसका अपीयरेंस भी देखोगे तो डक की तरह जो इसकी वो है ना क्या बोलते हैं इसको ये जो है इसका माउथ का आगे वाला डक की तरह है ये भी आपको ध्यान रखना अब देखो आ, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड और तस्मानिया में पाए जाते हैं और इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल बायोलॉजिकल कंजर्वेशन उसमें स्टडी पब्लिश हुई है और उसने हाईलाइट किया है कि जो प्लेटिपस की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ख़त्म हो रही है और इसके लिए जो रीजंस बताए हैं कई सारे चाहे वाटर कई सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वाटर रिसोर्सेज जैसे वाटर में जहाँ पे इनका हैबिट habit है हैबिटेशन है वहाँ पे कुछ काम शुरू कर दिया तो वो वहाँ नहीं रह पाएंगे ठीक है लैंड क्लियरिंग क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन तो जिससे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये अफेक्ट चेंजेस हो रहे हैं जैसे अगर हीट वेव्स ही आ गए तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ये एक बड़ा फैक्टर है और सूखे की स्थिति है हीट वेव्स है है ना तो ये सारे फैक्टर्स एक तो जो मतलब सभी के लिए तो वैसे ह्यूमन से ही रेस्पॉन्सिबल है लेकिन ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं और ह्यूमन सेंट्रिक फैक्टर्स भी हैं जिस वजह से ये प्लेटिपस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है मतलब ये अब एक्सटेंशन की कैटेगरी में आ गया है अब ऐसे मतलब जैसे एक था टाइगर है वैसे आपका एक था प्लेटिपस भी ऐसा बनेगा बट इसमें प्लेटिपस का रोल कौन करेगा वो अलग बात है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वार्म और कोल्ड वार्म और कोल्ड तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड विथ डार्क मैटर तो देखो ये नई स्टडी क्या कह रही है ये कह रही है एस्टिमेटिंग द टेम्परेचर ऑफ डार्क मैटर विल गिव अ क्लू अबाउट मास एंड साइज ऑफ द पार्टिकल मेकिंग अप अगर डार्क मैटर का टेम्परेचर आपने एस्टिमेट कर लिया तो उससे ये पता चल जाएगा कि किन पार्टिकल्स ने डार्क मैटर को बनाया है ठीक है तो अगर आप देखोगे इन जनरल देखोगे तो आ, आ, अगर कॉम्पोजिशन को पूरा देखते हैं हम अगर कॉम्पोजिशन को देखेंगे यूनिवर्स में तो 68 परसेंट आपकी डार्क एनर्जी है 27 परसेंट डार्क मैटर है और 5 परसेंट आपका नॉर्मल मैटर है तो डार्क मैटर क्या है इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर थॉट टू अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली एट्टी ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स जो मैटर प्रेजेंट है उसका 85 परसेंट ठीक है ओवरऑल यूनिवर्स में देखोगे तो इसको कहते हैं अराउंड 27 आपका डार्क मैटर है ठीक है और ये काफी इंपॉर्टेंट है तो देखो ऑब्जर्वेशन दैट देर इज फार टू लिटिल विजिबल मैटर इन द यूनिवर्स टू मेकअप ट्वेंटी सेवन परसेंट रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जर्वेशन तो पहली चीज तो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि डार्क मैटर 27 सेवन परसेंट दो जो विजिबल मैटर है इन जनरल जो मैटर है जो विजिबल है जो कि अराउंड 5 परसेंट है तो जैसे मान लो स्टार हैं ये सब क्या विजिबल मैटर हो गए तो इसको अगर पूरा यूनिवर्स में अकाउंट करते हो तो ये सिर्फ फाइव परसेंट के आसपास ही है तो इसको टोटल आप ट्वेंटी सेवन परसेंट नहीं लेकर आ सकते हो तो इसका मतलब कुछ ऐसे मैटर भी प्रेजेंट है है ना जो हमारे लिए विजिबल नहीं है वी आर कॉलिंग देम एज अ डार्क मैटर दूसरा पॉइंट अगर नासा के द्वारा ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डार्क क्लाउड और ऑफ नॉर्मल मैटर नॉर्मल मैटर जैसे जो डार्क क्लाउड्स जो फॉर्मेशन है ऑफ नॉर्मल मैटर्स मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड बैरियॉन्स बैरियॉन्स तो क्या है जो नॉर्मल मैटर्स हैं वो बने होते हैं बैरियॉन्स के जिन पार्टिकल्स से वो बने होते हैं उन पार्टिकल्स का नाम क्या है वी कॉल देम एज बैरियॉन्स ठीक है और है ना और वी वुड बी एबल टू डिटेक्ट बैरियनिक क्लाउड ठीक है तो अगर नॉर्मल मैटर का कुछ भी बना है तो वो बैरियोनिक बैरियन बैरियोन के जो पार्टिकल्स हैं बैरियोनिक पार्टिकल्स उनसे बने होंगे और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हम इन बेरियोनिक पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं तो अगर हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कुछ आपके डार्क मैटर जो कि नॉर्मल मैटर से जो विजिबल नॉर्मल मैटर है उससे अपार्ट है ऐसा मैटर भी आपका प्रेजेंट है ठीक है दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया गया है फॉर द प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर डार्क मैटर इज नॉट एंटी मैटर बिकॉज वी डू नॉट सी द यूनिक गामा रेस दैट आर प्रोड्यूस्ड वेन एंटी मैटर एनट्स विथ मैटर तो ये डार्क मैटर जो है वो एंटी मैटर भी नहीं है बट आपको ये दो पॉइंट्स आपको जो है वो ध्यान रखना है नेक्स्ट देखते हैं अब बिट टू रिस्टोर कोरल रीफ इन गल्फ ऑफ कच्च यूजिंग बायो रॉक्स ठीक है यूज ऑफ बायो रॉक्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बायो रॉक्स क्या है यह जरूरी हो जाता है तो पहली चीज तो आपको ये समझना है कि गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे आर्टिफिशियल कोरल्स डेवलप करने का कोशिश किया जा रहा है ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ है ये गुजरात है ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ है ठीक है गल्फ ऑफ कच्छ है अच्छा ये जो रीजन है इस रीजन पे कौन सा नेशनल पार्क फेमस नेशनल पार्क लोकेटेड है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क आपका लोकेटेड लोकेटेड है ठीक है तो कोरल्स क्या होते हैं आप सभी को पता है तो ये जो कोरल्स हैं ये कोरल्स जो हैं मतलब बनाए जाते हैं पॉलिप्स के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं कॉल इट एज पॉलिप्स तो ये पॉलिप्स क्या होते हैं मान लो ये एक सरफेस है इस पर ये ऐसे पैदा होते हैं ठीक है फिर ये मर गया तो दूसरा फिर तीसरा ऐसे करके ये मतलब थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स में ये बन जाते हैं ठीक है कोरल्स इन्हीं कोरल्स के अगर आप देखोगे इन्हीं कोरल्स के ऊपर फिर एल्गीज आती हैं उन एल्गीज़ को हम कहते हैं जू जेंथलीज ठीक है वी कॉल द मैज जू जेंथली तो यहां पर फिर आपके अलग अलग दूसरे उसमें आते हैं और वी कॉल द मैस जू जेंथली ठीक है ये एल्गीज होते हैं फिर इसमें फिशेज रहती हैं और ये सारी चीज अब क्या है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर बढ़ रहा है सेलिनिटी बढ़ रही है क्योंकि ये कोरल्स को सर्वाइव करने के लिए भी इन पॉलिप्स को भी सर्वाइव करने के लिए भी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर की जरूरत है एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेलिनिटी की जरूरत है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए या बहुत कम नहीं होना चाहिए तो क्योंकि वो सर्वाइव नहीं हो कर पाएंगे तो क्या होगा जब आपका टेम्परेचर ही मान लो बहुत हाई हो गया तो जो ये जू जेंथली है मर जाएगी मर जाएगी तो क्या है कि ये जू जेंथली एल्गी इससे सिम्बैटिक रिलेशन बना के रखती है जू जेंथली एल्गी इसके लिए खाना बनाती है क्योंकि यही एलगी आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू आपके इसके लिए खाना प्रोड्यूस करती है ठीक है और ये जो आ, ये जो पॉलिप्स हैं ये उसको शेल्टर देते हैं तो ये सिम्बैटिक रिलेशन है तो जू जेंथली एल्गी जब मर जाती है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इट रिजल्ट इन टू वट वी कॉल इट एज कोरल ब्लीचिंग और धीरे धीरे फिर ये कोरल्स या पॉलिप्स भी डाई कर जाते हैं और फिर क्या है कि पूरी की पूरी मैराइन डाइवर्सिटी जो इस पर बेस्ड है वो आपका खत्म हो जाती है तो इसलिए क्या है कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो कोरल्स मरे हैं चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर इस रीजन में जो कोरल्स प्रेजेंट हैं ठीक है जिन्हें हम फ्रिंजिंग रीफ भी कहते हैं टाइप ऑफ फ्रिंजिंग रीफ आपके यहाँ पर प्रेजेंट है तो इनको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है और इसके लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है वी कॉल इट एज एज बायोरॉक बायोरॉक जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको डिस्कस करते हैं तो ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद द हेल्प फ्रॉम द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अटेप्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्रोसेस टू री स्टोर कोरल रीफ यूजिंग बायोरॉक और मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी तो आपसे कोई पूछेगा कि बायो रॉक और मिनरल एक्शन टेक्नोलॉजी किस लिए इस्तेमाल में ली जा रही है या फिर रिसेंटली क्यों न्यूज में थी तो इसके लिए आपको बताना है कि इट इज बिग क्यों न्यूज में थी कि यहाँ पे आप आर्टिफिशियल कोरल बनाने का कोशिश कर रहे हो या कोरल को रिस्टोर करने का कोशिश कर रहे हो तो बायोरॉक क्या है बायोरॉक स्ट्रक्चर वॉज इंस्टॉल्ड वन नॉटिकल माइल ऑफ द मिथापुर कोस्ट इन द गल्फ ऑफ कच्छ तो यहाँ पे मिथापुर कोस्ट कहां पे लोकेटेड है गल्फ ऑफ कच्छ में तो मिथापुर कोस्ट भी आपको आइडिया रहना चाहिए तो ये बायोरॉक स्ट्रक्चर वहीं पे इंस्टॉल किया गया है बायोरॉक क्या है इज द नेम गिवन टू द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोकै एक्यूमलेशन ऑफ मिनरल्स डिजोल्व इन द सी वाटर ऑन स्टील स्ट्रक्चर दैट आर लोअर्ड इन टू द सी बेट अब इसको ऐसे समझो कि आपका स्टील का स्ट्रक्चर समुद्र के अंदर डाला गया इसमें इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो लगाए जाते हैं तो जो मिनरल्स सी वाटर में प्रेजेंट है ठीक है वो आके इसमें एक्यूमलेट हो जाएंगे ठीक है और ये पूरा एक लाइमस्टोन जैसा एक स्ट्रक्चर आपका अभी कह सकते हो जो कोरल टाइप जो स्ट्रक्चर है वो आपका डेवलप हो जाएगा ठीक है तो यहां पे क्या है एक स्टील का स्ट्रक्चर उसके ऊपर आपका इलेक्ट्रोड लगा है वो इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा मिनरल्स जो डिजॉल्व है सी वाटर का वो एक्यूमलेट होते चले जाएंगे और वो कोरल स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेंगे तो इट तो विल हेल्प अस टू तो री द कोरल रीफ इन दैट पर्टिकुलर

लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक है और लेजिस्लेटिव काउंसिल uh, का जो पर्पस है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है uh, है ना उसमें ऐसा पॉलिटिकल और पर्टिनेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया था uh, तो उसको आपको डिस्कस करना था तो उस, उसको उस आंसर को लिखने के लिए आपको जो हमने सेशन कल डिस्कस किया था उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और उसी को ध्यान में रखे आपको लिखना है इस क्वेश्चन को भी लिखने के लिए आपको यही ध्यान रखना है यहाँ पर आपको वन वर्ड्स में लिखना है

तो उनको बताने के लिए फिर उसको ब्रीफ में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं है कि एक बार कोई न्यूज़ आ गई तो दोबारा न्यूज़ नहीं आएगी न्यूज़ में भी न्यूज़ में भी एक ही सब्जेक्ट पर आपके एडिटोरियल्स भी लगातार आते रहते हैं है ना एक सब्जेक्ट अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज भी देखोगे तो उस पर आर्टिकल आर्टिकल्स कुछ ना कुछ आपका आता रहता है तो हमने उसको बहुत एंगल से डिस्कस कर लिया सारे एंगल्स से हमने डिस्कस कर लिया ठीक है अब हम दूसरे टॉपिक्स पे मूव कर सकते हैं आपको अपने आंसर को सेंड कहाँ करना है बिफोर आई एंड लेट मी टेल यू कि एक फैब से आपका कोर्स शुरू हो रहा है अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर जो आपको मंथली कोर्स रहेगा और फिफ्टींथ फैब से आपका टू ईयर का करंट अफेयर्स का कोर्स शुरू हो रहा है ठीक है टू इयर्स का अगर आप प्रीलिम्स 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत सारे आपके स्टैटिक टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे आपको ये रिफ्रल कोड यूज करना है एस पी एल आई वी ई एस पी एस पी एल आई बी ई इस रेफरल कोड को याद रखो जैसे आप यूज़ करोगे जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट और मेरे कोर्सेज के अलावा दूसरे जितने भी कोर्सेज पूरे साल आएंगे सभी आपके लिए फ़्री होंगे ठीक है सो थैंक यू एवरी वन और आप सभी को फिर से रिपब्लिक uh, डे की शुभकामनाएं और लेट्स क्रैक यूपीएससी को भी आपको जरूर से सब्सक्राइब करना है और इस सेशन को भी जरूर से शेयर करना है थैंक यू एवरी वन एंड लेट्स क्रैक इट